please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पवन शर्मा बड़ी खबर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला और राजौरी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से जा रही ये जो फायरिंग है, सेना की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में बाबा खोड़ी, लाम और जंगर जो इलाके हैं, वहां पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई, जिसमें सेना के 3 जवान घायल हो गए। भारतीय सेना पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लगातार मिलिटेंट ऑपरेशन के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं और पिछले कुछ समय से काफ़ी मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी यासीन टोके भी मारे जाने की खबर आई है, उसके साथ 2 और मारे गए हैं। भारत सरकार ने खासतौर से मिलिटेंसी के खिलाफ ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर रखी है, जिसके इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। इन्फिल्ट्रेशन में पाकिस्तान और मिलिटेंट को दिक्कत हो रही है, तो यही इसी कारण चलते हुए ये कोशिशें हो रही हैं। पवन, जरा स्थिति बताएं कि अभी भी फायरिंग जारी है? हाँ, फिलहाल फायरिंग बंद है, लेकिन कल रात को, बीती रात को पाकिस्तान की तरफ से और पूरा दिन पुंछ सेक्टर में और कश्मीर के बारामूला में, इस नौशेरा सेक्टर में काफी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई। रात को नौशेरा सेक्टर में बहुत सी चौकियों के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से हैवी मशीन गन फायर किया गया। आज दिन में हैवी शेलिंग की गई पुंछ की साइड में, और बिल्कुल ये घुसपैठ करवाने के अंदेशे से ही फायरिंग की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से आतंकियों को घुसपैठ करवाई जाए, और फायरिंग की जाती है ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान भटका जाए। लेकिन फिलहाल फायरिंग बंद है, लेकिन भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना का मुंह तोड़ जवाब दिया है। शुक्रिया पवन।